आप देख सकते हैं इसके अंदरूनी पूरे दांत ही है, दांतों का एक जाल है बड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण के माध्यम से मुश्किल में फंसे सांप और इंसान दोनों को बचाने की कोशिश करते, तो लातूर जिले के किल्लारी गांव में आए हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, यहां पर पीछे एक घर है और यहां पर कुछ पत्थर निकालने का काम चल रहा था, वही उसी टाइम पर कुछ यहाँ पर इनका काम चल रहा है, उसी टाइम पर एक सांप निकला यहाँ से और सीधा इसके अंदर चला गया। हम निकालेंगे बाहर, देखेंगे, रेस्क्यू करेंगे, कौन सा सांप है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं ये सांप एक कॉमन सैंड बोआ, जिसे दो मुहा सांप के नाम से जाना जाता है हमारे देश के अंदर, और ये जो रेड सैंड बोआ है उसका भाई है, उसका लगभग करीबी रिश्तेदार, यानी कि इसे कॉमन सैंड बोआ कहा जाता है और उसे रेड सैंड बोआ। और ये जो कि भारत में सबसे ज़्यादा अवैध तरीके से जिस सांप को बेचा जाता है उसी सांप का एक भाई है ये उसी के जैसा काम करता है। ये भी ये मिट्टी के अंदर अपना पूरा जीवन गुजारता है और ये खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सांप है, लेकिन सांप सांप के नाम से लोग डर जाते हैं। ये बाइट करता है नहीं? ये बाइट बहुत ज्यादा करता है ये सांप। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो रंग जो है हूबहू एक अजगर जैसा दिखता है, और इसके दांत बड़े होते हैं बहुत, जो कि काटने के बाद बहुत बड़ी जख्म हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इसके दांत, ये इसके दांत है दोस्तों, बहुत ही बड़े दांत होते हैं जो कि काटने के बाद एक बड़ी जख्म बन जाती है और ये फाड़ देता है जिस जगह पर काट ले। और इसका आप देख सकते हैं इसके अंदरूनी पूरे दांत ही है, दांतों का एक जाल है बड़ा सा, इसलिए ये बाइट करेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा घाव हो जाता है। और दूसरी बात, ये बाइट भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये सांप। इनका जो मुख्य भोजन है छोटी चिड़िया या फिर चिड़िया के अंडे और चूहे फिर मेंढक यही, लेकिन इसका जो अलग भोजन है वही छोटी चिड़िया। हमने एक बार रेस्क्यू किया था इसे ऐसे ही, एक चिड़िया को, छोटी सी चिड़िया को ये खाते हुए हमने इसको रेस्क्यू किया था। तो ऐसे इसका अलग अलग खाद्य जो भोजन है, और नॉन वेनमस होता है ये सांप, लेकिन डर आदमी को मारता है, बाकी कुछ नहीं। तो हम इसे लेकर चलेंगे सुरक्षित जगह पर, छोड़ देंगे दोस्तों। इसके आँखें देख सकते हैं आप, अलग सी आँखें दिखती है इसकी, ये एक सफ़ेद कलर में अलग से इसके आँखें होती है। ज़्यादातर रेड सैंड बोआ जो है वो बाइट नहीं करते, लेकिन कॉमन सैंड बोआ बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं ये सांप। इनका चलने का तरीका भी कुछ अलग ही है, सीधा नहीं चलते, ये झटका मार के चलते हैं। इनका ऐसा तरीका है जो कि सांप एक ऐसे चलता है अपने तरीके से, उस तरीके से अलग चलते हैं ये। तो हम इसे लेकर चलेंगे सुरक्षित जगह पर, छोड़ देते हैं।
पैक कर दिया है दोस्तों, इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।